इस लोकेशन देखो यार, ये प्यारे प्यारे घर देखो, मतलब ये काफी पुराने हैं ना भैया। कई शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी हमने बनीखेत क्रॉस किया है। ठीक हो रहे सभी? सुस्त तो नहीं हो गए हैं प्रधान जी? बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया। चलो जी ठीक है। क्या गल करता तू? अरे मेरे बच्चू कहाँ पहुंच गई? हेलो, नहीं नहीं बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। गाइस रात के पूरे पूरे 9 बज रहे और अभी हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की कौन सी लोकेशन है भैया? ये रानीताल। रानीताल, और ये देखो भाई हमारी शिल्पा आंटी जी, क्या हाल चाल? लकड़ी ठीक हो? ओ भाई आंटी के हाल नहीं है ठीक भाई। गाइस तो आपको बता दूं कि एक गाड़ी में हम चार हैं और दो कॉन्स्टेबल मैडम है हमारे साथ और दो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं और बाकी मैं, भाई और जो प्रधान जी जो भी थे। और भैया जी क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। वैसे अभी डिनर करने के लिए यहाँ पे रुके हैं क्योंकि भाई सुबह ही ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद खाना ही नहीं खाया, टाइम ही नहीं लग पाया, तो भूख तो सभी को लगी होगी ना भाई? लगी भूख? नहीं लगी है? क्यों नहीं लगी? जो फिर नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं। चलो भाई हम खा लेते हैं। शिल्पा कहाँ जा रही है? इधर वो जगह पे लगा। चल चल मेरा बच्चू। हेलो भूतनू, ये भूत किसका है? ये देखो गाइस बाहर जाने का ट्राई कर रही है भाई, खुशी इतनी है ना। ये देखो दरवाजा खोल रही है। कहाँ गए मम्मी? मम्मा कहाँ गए? हाँ हेलो 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 कर। होय होय होय, हंस गया हंस गया हंस गया हंस गया। नहीं नहीं नहीं, बाय बाय बाय। और आंटी क्या हो गया, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? आओ रोटी खाने दे, नहीं खानी? ओ भाई हमारे आंटी बीमार हो गए बेचारे। गाइस जहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं भाई, आग भी वहाँ पे सेक रहे हैं। और भाई फिर कैसा रहा सफर? बुरा ही लग रहा है मुझे थोड़ा है। नहीं नहीं ठीक रहा, ठीक रहा। पर आंटी को वोमिटिंग हुई थोड़ी सी। आपका ठीक था ना? आंटी और शिल्पा को। शिल्पा को भी? शिल्पा को भी हुआ? पर बेचारी को उसको पता नहीं लगता ना उतना, वही है ना बेचारी। बाकी चलो गाइस डिनर करते हैं, सच में भूख बड़ी लगी है मुझे तो, गाड़ी में भूख लगी थी। और अपनी शिल्पू गए, अपनी शिल्पू के लिए अंदर ही खाना खिलाएंगे। पकड़ो, छुट देना इन, छुट देना, छुट देना, आंटी को छुट देना, पकड़ लो। वो पानी है? पानी कहां है? पानी पानी है नहीं है, बोतल है इतने ना। आराम से शिल्पू, गर्म है। मैं पानी ले रहा था। खा ले आंटी, भाग बड़ी दूर है अल्ले। क्या शिल्पू? 1 ग्राम इंजो खुआ वाला, 1 ग्राम इंजो खुआ। थैंक यू भाई, हमारी शिल्पा खाना भी खिलाती है। बाय। तो खा ले, खुद ही खा ले है ना। गैस सभी लोग खाना खा बैठे, ये देखो भाई अकेला मैं ही बचा। फाइनली गैस अपना खाना भी हो गया, सबसे लास्ट में मैं रह गया प्रधान जी, और मैंने सबसे लास्ट में शुरू किया था इसलिए मैं सबसे लास्ट में रह गया। बाकी ठीक है, ठीक है। रात के पूरे पूरे 10 बज रहे और मैं गाड़ी से शिफ्ट होके एम्बुलेंस में आ जाऊंगा अपनी शिल्पू के पास भाई। शिल्पू जी, शिल्पू तो कहाँ से होती है भाई? आंटी जी का तो बुरा हाल हो गया भाई, उल्टी कर करके। भाई आपको तो नहीं हो रहा ना कुछ? ठीक हो ना? और इन्होंने खाना भी नहीं खाया यार उल्टियों के डर से। चलो कोई बात नहीं, इनके लिए रिफ्रेशमेंट ले लिया हमने पहले ही। ओ शिल्पू भाई कहाँ जा रही है तू? हमारा बच्चा कहाँ चल पड़ा? कहाँ चले बच्चे? हाँ चल इधर, हंस के दिखा एक बार, हंस के दिखा, स्माइल करके दिखा, स्माइल करके दिखा भाई। नहीं 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 फेंकना नहीं है, खाना है सिर्फ।
बजा दवा खाओ रोटी खा बिल्कुल तो खाया है। वैसे चंपा से तो मैं गाड़ी में आया था बट हमारे भाई ना थोड़ा गुस्सा हो गए थे, भाई बोलते मेरा गलत हो गया मुझे अकेला छोड़ दिया, और मैंने बोला भाई अकेले नहीं हो यार, जब 15 दिन साथ में बिताए तो अभी भी आपके साथ ही रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चलो नाइट का सफर कैसा रहता है, रात का सफर है तो आपने बने रहना है। बल्ले 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 शिल्पा बल्ले 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 भाई भाई कर कर बल्ले 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 एक बार फिर से कर दे एक बार फिर से भाई, कितनी समझदार बच्ची है यार, डांस कर रही है। हाथ को देख के बाकी सभी सोए हुए हैं और शिल्पा बातें कर रही है अकेले में। रात के अभी पूरे पूरे 11:15 बज रहे हैं भैया जी, कौन सी लोकेशन है ये? ये हमीरपुर भाई, हमीरपुर एंटर कर चुके हैं। अभी कितना बचा? अभी है किलो काफी है, अभी होगा कोई 150 किलोमीटर होगा शिमला, 170 नहीं है ज्यादा दूर अब तो। मतलब कोई आपका तो 3-4 घंटे। हाँ जी चलो ठीक है। हाँ जी आंटी जी चढ़ जाओ अब। हाँ 11:30 हमने हमीरपुर क्रॉस कर ली और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिलासपुर है ना भैया? अच्छा, बिलासपुर के बाद शिमला। हाँ मतलब लगभग 150 किलोमीटर हमारा शिमला बचा है। और कैसा एक्सपीरियंस है फिर भैया? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो हमारा तो चलता रहता है, आपका तो चलता रहता है सही है। और पीछे गए तुम्हारी शिल्पा? मैं आगे आ गया हूँ भैया के पास, फ्रंट सीट पे आ गया हूँ। टाइम और अभी पूरे पूरे 1 बज रहे और अभी हम बिलासपुर में हैं और अभी चाय पीने के लिए हमारी एम्बुलेंस जो है ना रुकी हुई है, क्योंकि हल्की हल्की यार नींद भी आ रही है, थोड़ी सुस्ती भी पड़ गई है, तो चाय वगैरह लेते हैं, उसके बाद आगे का सफर जो है ना कंटिन्यू रखते हैं। अभी तो उतना दूर नहीं है, थोड़ा ही बचा है। मॉर्निंग ही मॉर्निंग है, सुबह के 3:30 बज रहे और अभी शिमला में एंट्री हो चुकी है। और फिलहाल के टाइम गाइस जो लोकेशन है हमारी वो ये लोकेशन है, अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, है ना प्रधान जी? हाँ जी हाँ जी, क्या प्लान बन रहा है फिर? बस अब देखते हैं क्या बनता है जनाब, पहुंच तो गए शिमला पहुंच तो गए, चलो नींद भी नहीं आई गाइस पूरी रात ऐसे ही। भाई सुबह सुबह ना इन शिमला की सड़कों पे भाई घूमना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसका हमें पता नहीं है। और फिलहाल अभी जिस लोकेशन पे हम लोग पहुंचे हैं वहां से ना यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा उच्च अध्ययन संस्थान वगैरह, ये लोकेशन है। और यहाँ पे हम लोग ना अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं भाई, और
बाकी चलो देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। फाइनली गाइस हिमाचल मानसिक रोग एवं पुनर्वास अस्पताल गेट के पास गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी गाड़ियां ढेर सारी दिक्कतों के बाद क्योंकि लोकेशन का कोई भी आइडिया नहीं था, तो इधर उधर पूछ के हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और लोकेशन गाइस एक भाई साहब ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था फेसबुक पे, तो वहाँ से मैंने कॉल वगैरह की, तो बेचारे वो मतलब सुबह सुबह जाग के ना कॉल उठाई और हमें लोकेशन बताई। थैंक यू सो मच। गेट बंदर सभी वेट कर रहे हैं सुबह होने का। सुबह के 4:30 बज रहे और हम लोग अभी इंतजार में कि कब गेट खुलेगा और कब हमें अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। गुड मॉर्निंग बच्चू, काम कहाँ पहुंच गए? आंटी गुड मॉर्निंग, ठीक हो ना? चलो बढ़िया। अभी हमारी शिल्पू अंदर जाएगी, अभी नहीं रुक जा, अभी थोड़ी देर है, बस थोड़ी देर। फाइनली गाइस अंदर की एंट्री हो चुकी है। वैसे गाइस यहाँ पे ना ये गेट सुबह खुलता है और यहाँ के मेरे एक नॉन भाई थे जो मुझे फेसबुक से मिले, उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी, उन्होंने अंदर कॉल्स वगैरह की, देन तभी जाके सिक्योरिटी गार्ड बाहर आए और गेट खोला। भाई देखो ये तो शुक्र हुई कि मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि मैं शिमला आ रहा हूँ, उसका थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे क्या हमें फ़ायदा हुआ नहीं तो भाई सुबह तक 10 बजे तक कौन वेट करता। बाकी थैंक यू सो मच भाई जिन्होंने मुझे मेरी हमारी इतनी हेल्प की। बाकी गाइस अभी एंट्री कर ली है हमने, गेट खुल चुका है और ये देखिए, और अभी यहाँ पे भर्ती कराने वाले हैं, एडमिट कराने वाले हैं हमारी शिल्पा को। शिल्पा को छोड़ के जा रहे हैं यार, बुरा लग रहा है। ये है बाहर की लोकेशन, अंदर की लोकेशन दिखा नहीं सकते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और ये देखिए शिल्पा को बाय बाय करते हुए, इस प्यारी सी लोकेशन को भी बाय बाय करते हुए। फाइनली गाइज वो मोमेंट, मतलब जिस मोमेंट का वेट था कि शिल्पा एक अच्छी जगह जाएगी जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा, अभी गाइज यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ये एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, देन उसके बाद डिसाइड होगा कि शिल्पा को घर भेजा जाएगा या कहीं किसी संस्था के हाथ दिया जाएगा या किसी आश्रम में भेजा जाएगा। और फिलहाल के टाइम पे अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, मॉर्निंग का टाइम था, एक बेस्ट पॉइंट हमारा निकल के आया कि यहाँ के एक भाई थे, मैंने पहले भी बताया, जिनका मुझे कॉन्टैक्ट, जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया कि किसी भी हेल्प के लिए भाई मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, वो वीडियोस देखते होंगे, तो जाके गाइस हमारी यहाँ पे एंट्री हुई सुबह। नहीं तो भाई हम लोग 10 बजे तक वेट करते रहते, सुबह हमारी एंट्री होती। अभी शिल्पा को एडमिट करके आए हैं, शिल्पा के साथ हमारी आंटी जी रहने वाले हैं, आंटी उनको हम बाहर अंदर छोड़ के आए हैं। और यहाँ पे गए सारा का सारा जो पेशेंट करेगा वो हॉस्पिटल की तरफ से रहेगा, और जो भी रहेगा हमारी आंटी का, वो आंटी का खुद ही करना पड़ेगा, जैसे आंटी के कपड़े या आंटी के खाने का यहाँ पे मैस वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे, बस आंटी का थोड़ा ना थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। बाकी गए इस लोकेशन को बाय बाय करते हैं यार, और अभी पूरा दिन देखते हैं, थोड़ा शिमला आए तो शिमला को भी विजिट करते हैं। तो ठीक है भैया जी, थैंक यू सो मच, बाय करिए। ओके ठीक है गाइस, एक वीक पॉइंट रह गया हमारा, जो एम्बुलेंस में कुछ हम भर भर के भाई जो आए थे ना चंबा से, एम्बुलेंस तो चली गई और गाड़ी है एक हमारे पास, तो अभी हम तीन लोग पैदल पैदल जा रहे हैं ऊपर, और घर को भी मुझे लगता कि 2-3 लोगों को बस पे जाना पड़ेगा, कुछ वैसा माहौल दिख रहा है। बाकी चलो जो भी रहे, जो भी था गाइस अच्छा था। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? बस बिल्कुल काफ़ी प्यारा मोमेंट है, बिल्कुल हमने मुद्दा सारा उठाया था। जी जी जी, आज फाइनली मिशन पूरा हुआ, क्लोज करके आगे। और चलो बाकी अपडेट्स भी देंगे जो वो मंडे के बाद ही आएंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर्स नहीं थे, सेकंड सैटरडे है तो मतलब छुट्टियां वगैरह चलती रहती हैं, डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, जो मेन अभी चेकअप वगैरह जो कुछ भी रहता है अपना इनका फॉर्मेलिटीज़ वो मंडे को बताएंगे कि मदर को रुकना है यहाँ पे, अभी तक तो मदर यहीं पे है, तो वो क्लियरेंस ना बाद में होगी वो चीज़ें। तो चलो भाई कैसा लग रहा है यार, बुरा भी लग रहा होगा है?
थोड़ा सा बुरा भी लगा है, पर तो चलो ठीक हो जाएगी। मैं बोलता हूँ अच्छी है, चलो ठीक हो जाए यार। चलो जहाँ भी रहे, हम तो यही चाहते हैं हमारी शिल्पा, हमारी माता जी, हमारी माता है गई तो हमारी शिल्पा बहन के साथ, माता सब कुछ है। तो मम्मी को भी चलो छोड़ा है दो तीन दिन के लिए। हाँ और क्या, और आंटी को भी शायद फील हो रहा था, आंटी की भी आंखें भर आई थी आज तो मैंने देखा ना। मॉर्निंग टाइम है 6:30 सुबह की, और अभी हम लोग शिमला के बस स्टैंड में आ चुके हैं। मॉर्निंग में थोड़ा ब्रेकफास्ट टूट गया, चाय वगैरह पीते हैं क्योंकि गाइस फाइनली फ्री हो गए और दिमाग पे जो बोझ सा है ना उसे थोड़ा हल्का करते हैं। बाकी अब बने रही, ये रही गाड़ी और ये रहे गाड़ी पे जाने वाले, और मैं और हमारे विशाल भाई बस पे। बाय 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 बाय, ठीक है आराम से जाओ। ओके ठीक है ठीक है। गाइस गाड़ी में जगह भी नहीं है, हम थोड़े लड़के लोग भी हैं तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा शिमला भी घूम ले है ना भाई, आराम से जाते टिक के जाते हैं यार, सुबह पहुंचे सुबह ही चले जाएंगे क्या फायदा, तो इनको जाने देते हैं, इनकी वैसे उम्र भी होगी है। है ना भाई। गाइस सभी चले गए हैं, जो भी हमारे साथ चंबा से आए थे, दो कॉन्स्टेबल, एम्बुलेंस वाले हमारे साथ, जो प्रधान वगैरह थे, मैं और हमारे विशाल भाई शिमला में ही अभी रुक रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी में जगह नहीं थी, और मैंने पहले ही बोला कि उनकी उम्र भी हो चुकी है, तो उन्होंने रुकना भी क्यों है, घर जाए अपने बीवी बच्चों के साथ खेले हंसे, क्या बोलते हैं भाई। तो गाइस अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यार शिमला, वैसे फर्स्ट विजिट है, बाकी जो भी शिमला के लोग हैं यार ऑलरेडी काफ़ी प्यार दिखाते हैं, तो थोड़ा सा और दिखा देना, शेयर कर देना वीडियो को। और मतलब लाइफ में गाइस इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी मुझे अब हो रही है, आज हो रही है कि नहीं यार, जो स्टेप मैंने उठाया था, कदम उठाया था, उसे सक्सेस करने के बाद ही मैंने दम लिया, मतलब उसे सक्सेस करके ही छोड़ा, तो जो लोग बोलते थे उनके मुंह पे तो ऐसे जैसे मैंने थूक दिया, बिल्कुल वही वाला सीन हो गया, क्या बोलते भाई। बिल्कुल मज़ा आ गया, मतलब सुकून मिल गया एकदम से बिल्कुल। और जो आशीर्वाद देते ना लोग उनको तो भाई वो तो भगवान के समान है, और दुआएं कमाते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। सुबह का टाइम है भाई, सुबह के टाइम अभी देखना ये है, अभी उतनी नॉलेज नहीं है यहाँ की, कोई मिलता है अपना चाहने वाला शिमला से ही तो करते हैं, ऐसा गाइड उसे रखते हैं अपने साथ और चलते हैं। सुबह वाला माहौल तो बन चुका है, और अभी हम एक बस पे आए, रिज पे जा रहे हैं अभी, शिमला का रिज फोटोज़ पे ही देखा है, चलो आज खुद भी देख लेते हैं कैसा है। और जिससे भी पूछा उन्होंने पहले रिकमेंड मुझे वही लोकेशन की कि रिज पे जाओ भाई, चलो ठीक है वहीं चलते हैं। और बस स्टैंड से यहाँ तक के लिए हमारा 30 रुपये किराया लगा दोनों का, और यहाँ से ऊपर चढ़ते अभी रिज के लिए चढ़ते हैं, शॉर्टकट रास्ता है, और ये लक्कड़ बाज़ार है, लक्कड़ मंडी है, तो चलो करते हैं एक्सप्लोर, दिखाते हैं आपको भी। चलो भाई माता जी का आशीर्वाद लेके आज दिन की शुरुआत करते हैं इन शिमला की गलियों पे, और आपने बने रहना, और मुझे लगता है यही रास्ता है, हमने एक ही बार पूछा कि रिज वाला रास्ता यही है शॉर्टकट, तो यही बताया, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। फाइनली गाइस ये लोकेशन पे हम लोग पहुँचे, मुझे लगता है कि यही वो रिज है, और आसपास का नज़ारा देखो, और आज मौसम भी क्लाउडी सा है, और आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह है, काफ़ी क्लीन, और सामने देखो भाई घर किस कैसे, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पेड़ों के बीच, हमारे डलौजी में भी ऐसे ही घर होते हैं सेम पेड़ों के बीच, प्यारी लोकेशन है भाई। और ये हमारा तिरंगा, भारत माता की जय। अच्छा यही वाला चर्च दिखता है फोटोज में, सेल्फी पॉइंट यही है वो वाला है, चलो हम भी ले लेंगे फोटो फोटो। सुबह के 8:00 और मॉर्निंग व्यू देखो गाइस रिज का, मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरह का है, सामने देखो गाइस इतना प्यारा लग रहा है ना, ये वाला पोस्चर काफ़ी प्यारा लग रहा है, इस तरफ का एरिया, और ये यहाँ पे चर्च है, और ये हमारा तिरंगा, बाकी गाइस ये हम लोग हैं। कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी प्यारा और काफ़ी क्लीन है, और इस तरफ वाला ये वाला एरिया मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है, और ये हमारा तिरंगा तो है ही है। बाकी गाइस ये देखिए ये चर्च है सामने, और ये हम लोग हैं यहाँ पे, और मॉर्निंग का टाइम है, और हवाएं जो चली हैं भाई वो खतरनाक वाली हैं, और मौसम भी आज थोड़ा क्लाउडी सा है, बाकी देखते गए दिन में दिन कैसा जाता है। और यहाँ पे ट्रैफिक अभी कम है, लोग मतलब इक्का दुक्का लोग हैं भाई, ठंड का टाइम है, कौन ही आएगा सुबह सुबह, बाकी चलो देखते हैं, अभी पूरा दिन एक्सप्लोर ही करेंगे, इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे। तो रिज के थोड़ा इस तरफ आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी की ये प्रतिमा बनाई गई है, और दूसरी साइड भी एक प्रतिमा है, अभी मैंने गौर से पढ़ा नहीं, और वाइड एंगल में आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा शिमला,
शिमला रिज। और बाकी आपको यहाँ से ना थोड़ा फ्रंट व्यू दिखाऊंगा, यहाँ से थोड़ा बाहर का व्यू दिखाऊंगा कैसा दिखता है। ये देखिए इंदिरा गांधी, ये देखिए भाई बस यहाँ से सामने का नजारा दिखता है कुछ इस तरह का। ये सारा का सारा शिमला ही है। और घर देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से थोड़े इतने जच रहे हैं, मतलब जो भी है। और ये देखिए प्यारा सा मौसम है, और धूप होती तो और मजा आता भाई धूप सेकने का यहाँ पे। अभी तो मॉर्निंग टाइम है, सर्दियों का टाइम है तो नेचुरल सी बात है ठंड तो होगी होगी भाई। इसलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि कल शाम को हमने खाना खाया था, और अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके हैं मैं और भाई। ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। भाई सच बताऊँ ना, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी थक लगी, पूरी रात भर सोए नहीं है, और ऊपर से गाड़ी में इतना लंबा सफ़र और पूरी रात भर, मतलब तबीयत ठीक नहीं है यार, मतलब क्या ही घूमे। अभी रिज पे ही है आसपास, अभी ब्रेकफास्ट किया और बाकी चलो देखते हैं क्या बनता है। वैसे घर निकल जाएंगे क्या, चंबा निकल जाएंगे, बड़ी थक लगी भाई है ना, निकल ही जाएंगे, क्या करना है, इधर थोड़ी देर बैठते हैं कहीं, आनंद लेते हैं, नज़ारे लेते हैं, रिज के आसपास ही हैं और तो क्या, फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस दिन के 12:30 बज रहे और अभी हम शिमला में ही हैं, पर यहाँ पे हमारे कुछ भैया लोग मिले। और भैया क्या हालचाल? बढ़िया, ठीक हो? बढ़िया। और भैया स्पेशली मिलने के लिए, शिल्पा से मिलने के लिए कर रहे थे कॉन्टेक्ट, और हम तो शिल्पा को सुबह ही एडमिट करवा के आ चुके हैं। और हमारे नेकराम भाई, और भाई क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया भाई को, बढ़िया। हाँ बढ़िया। और हमारे दूसरे भाई, बाकी गाइस यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, अभी रिज पे थे, अभी झांसी पार्क गए थे। बाकी गाइस आप बने रहिए, एनर्जी ना थोड़ी लूज है इसलिए कम व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, और जब तक शिल्पा के पास था तब तक एनर्जी ठीक थी, मतलब ठीक था, क्योंकि कल आपको पता कि पूरी रात भर सोया नहीं था, और सफ़र पूरी रात भर एम्बुलेंस में, तो थोड़ा नेचुरल सी बात है कि बंदा थोड़ा डाउन पड़ जाता है। बाकी चलो बने रहिए, दिखाएंगे आपको जो भी है। और आज शायद चंबा निकल जाऊँ, पर भाई कह रहे हैं कि आज नहीं जाना है, पर जाना पड़ेगा भाई, नहीं जाना भाई। और गाइस आज लोहड़ी भी है, हैप्पी लोहड़ी, और लोहड़ी का किसको याद था, पर चलो अब याद आ गया क्योंकि शिल्पा के मैटर में इतना घुस चुका था कि खुद का भी पता नहीं था। और गाइस एक और प्रॉमिस किया था कि जब शिल्पा को एडमिट करा के आएंगे तो उसके बाद ही दाढ़ी बाल कटाएंगे। मैंने अभी तक दाढ़ी बाल नहीं कटाया अपने। बाकी चलो बने रहिए। रिज पे गाइस सुबह के टाइम तो कोई भी नहीं था जब हम सुबह यहाँ पे आए थे, और अभी देखो भाई लोग भर भर के लोग हैं यहाँ पे, और आज धूप नहीं, शायद धूप के टाइम ज्यादा होते हैं ना, और बर्फ कब पड़ती है भाई? बर्फ पड़ती है मई से जून के बीच में। मई से जून? नहीं मई से जून, जनवरी, जनवरी फरवरी। अच्छा जनवरी फरवरी, मतलब किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और अभी गाइस देखो मौसम तो क्लाउडी सा है सुबह से ही, बाकी यहाँ पे भाई ट्रैफिक देखो, रश देखो लोगों का, मैक्सिमम टूरिस्ट होंगे है ना। लाइब्रेरी है, हाँ ये स्टेट लाइब्रेरी है गाइस, यहाँ पे देखिए, और मतलब पढ़ने लिखने का भी पूरा माहौल है और हर चीज का माहौल है यहाँ पे भाई। ये गाइस ये है मॉल रोड, यहाँ का नीट एंड क्लीन एरिया देखो गाइस कितना प्यारा है, और ये सारा का सारा मार्केट है ना यहाँ पे, माल रोड, ठीक है। और गाइस ये देखिए कितना प्यारा माहौल है, और व्यू देखो गाइस जो, हाँ जी अच्छा अच्छा कौन सा थिएटर? गेटी, गेटी थिएटर, फंक्शन वगैरह। अच्छा अच्छा गाइस लोकेशन देखो यार, ये प्यारे प्यारे घर देखो, मतलब ये काफी पुराने हैं ना भैया, अंग्रेजों के टाइम का गाइस सारा का सारा बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखो काफी प्यारा और अल्टीमेट है, डेवलपमेंट अच्छी है ना भैया यहाँ पे, मतलब रिच एरिया है काफी। कौन सा पॉइंट? स्कैंडल पॉइंट, ये नाम ऐसे पड़ा कि यहाँ से स्कैंडल नाम की एक लड़की अंग्रेजों की, मतलब चोर के लिए गए थे, इंडियन ने भगा ली थी। हाँ इस स्कैंडल पॉइंट गाइस, यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट है यार, रिच एरिया है और नीट एंड क्लीन सिटी है, यहाँ पे देखो काफी साफ सुथरा है। शाम के पूरे पूरे 5 बज रहे, और आज पूरा दिन देखा अपने, कल का देखा, मतलब शिल्पा को फाइनली हम
उस प्यारी सी लोकेशन पे भेज के आए हैं जहाँ पे शिल्पा का ट्रीटमेंट चलने वाला है। और बाकी गाइस आज हम घर नहीं गए, मतलब चंबा वापसी नहीं हुई, मतलब हमारे भैया ने बोला आज बैठ जाओ, मतलब इतना इन्होंने कोशिश की थी यहाँ पे रुकवाने की, तो अब हम भी रुक गए, हम कल जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच भैया। और ये हमारे नेकरम भाई, अभी हम साथ में रहने वाले हैं सारे। बाकी गाइस आपने वीडियो को शेयर करना है, और शिल्पा की ना पहले वाली हालत क्या थी और अभी वाली हालत देखो यार, मतलब सच में एक बड़ा चेंज आया। अभी क्या कहना चाहोगे आप, शुरू से देख रहे हो शिल्पा की हालत? बिल्कुल चेंज आई उसमें, बिल्कुल। हमने बहुत शुरू से देख रहा था मैं वो वीडियो भी है। हाँ हाँ जी जी भाई, आप इंसान का दर्द एक इंसान ही समझ सकता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चीज है इंसानियत होनी चाहिए आदमी के अंदर। और बाकी मैं यही कहता हूँ, इंसानियत रखो, पैसा तो पूरी दुनिया कमाती है भाई, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, नाम दौलत शोहरत सब कुछ रह जाएगा, ठीक है? दो पल की जिंदगी है ये, बस इंसानियत होनी चाहिए आदमी के अंदर, इंसान को इंसान की नजर से देखो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना। और यहाँ पे भाई बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हुए, और लाइक कर देना। लाइक कर देना, क्या बात है। आज भाई ने भी बोल दिया कि लाइक कर दो और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट वीडियो शिमला की आने वाली है। अभी आज शिमला में हम, कल शिमला को ही एक्सप्लोर करेंगे। आज तो एनर्जी डाउन थी भाई, आपने देखा बिल्कुल बुरा हाल था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।